Hello everyone. Let's talk about cricket fans versus football fans India के. तो एक दिन मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि हे डिड यू वॉच द बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड मैच. मैंने कहा कि नहीं यार, कौन जीता? तो ही सेड इट वॉज अ ड्रॉ 1-1. फिर मेरी फिरकी लेने के लिए बोलता है वॉट डू दे कॉल बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड मैचेस, क्योंकि वो जानता था कि मैं फ़ैन नहीं हूँ. तो मैं शौक, अच्छा चलो भाई नहीं देखता फुटबॉल मैच, लेकिन कॉमन सेंस तो है, जानता हूँ एल क्लासिको बोलते हैं उसे, ढक्कन थोड़ी हूँ, जानकारी रखता हूँ मैं. तो इतने में मेरे दूसरे फ्रेंड ने जवाब दे दिया था, तो ये लोग मुझ पे हंसने लग गए कि जानता भी नहीं है कुत्ता. तो मेरी सटक गई. मैं तो हूँ क्रिकेट फैन, तो मैं इनकी लेने चला. मैंने कहा जैसे तुम क्रिकेट के बारे में बड़ा जानते हो, ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनको सब मालूम है. तो मैंने पूछा कि ठीक है चलो बोल दो विराट कोहली कौन है. तो बोलते हैं विराट कोहली वही ना जो अनुष्का शर्मा के साथ शैम्पू एड में आता है, स्ट्रगलिंग एक्टर बेचारा, सही दिखता है. मैं फुल शॉक भाई, इंडियन टीम टेस्ट कैप्टन है वो, क्या स्ट्रगलिंग एक्टर. तो ये लोग टॉपिक चेंज, मुद्दे पे आ, फुटबॉल की बात चल रही थी. साला इस डिस्कशन के बाद ये महान लोगों के जवाब सुन के तो कोई भी रिश्त पुष्ट खुशहाल जिंदगी जीने वाला आदमी भी सर फोड़ के अपनी जान ले ले. एक और इंस्टेंस ऐसा था, हम सब फुटबॉल खेल रहे थे तो मैंने शूट किया और वो काफ़ी दूर रह गया गोल से. तो भाई 10 मिनट पेट पकड़ के हंसे हैं जैसे किसी लड़की ने मुझे दो लपड़ लगाए हैं और इन लोगों ने लाइव देखा हो. खुद तो साले एक क्रिकेट बॉल दूर से फेंकने को नहीं होता है, एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल मेरे से दूर फेंकते हैं, खुद के हाथ पे कंट्रोल नहीं है और मेरे पाँव पे हंसते कमीने. और अगर गलती से तुमने कह दिया कि क्रिकेट फुटबॉल से अच्छा है तो बस तुम्हारे पापा ने इतने जूते नहीं मारे रहेंगे जितना ये स्टड्स के साथ तुम्हें मारने चलते हैं. और इनका आर्गुमेंट तो देखो, क्रिकेट क्या है, 11 लोग बॉल के पीछे, तो साला फुटबॉल में क्या बॉल इनके पीछे जाता है, दिमाग का तय कर दिया है. तू तो बात ऐसे कर रहा है जैसे तू इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है, जैसे इन लोगों ने लुइस एनरिक का ऑफर रिजेक्ट किया है बार्सिलोना ज्वाइन करने का. ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं तब कुछ नहीं, और बीच बीच में जब इनके प्लेयर नहीं रहते हैं, तू भाई है ना मेरा, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल. अच्छा भाई चल, तेरा दिल रखने के लिए खेल ही लेता हूँ अभी. फिर एक बॉल तुम्हारे पाँव के बीच में से उनके बेस्ट प्लेयर ने निकाल दिया ना, फिर तुझे किसने कहा फुटबॉल खेलने को? तुझे आता नहीं है तो प्लीज मत खेल, कभी भी टीम को हराने में रहता है काम, नहीं सो काम. और ये लोग फुटबॉल नहीं बोलते, फुटबॉल फुटबॉल बोलते हैं, क्योंकि फुटबॉल तो देसी हो जाता है ना. मैं भी क्रिकेट को क्रिके क्रिके बोलूँ तो, और जो भी दोनों फुटबॉल और क्रिकेट के फैंस हैं ना, वो कभी नहीं मानेंगे कि क्रिकेट के फैंस हैं. उनके लिए फुटबॉल एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन ये लोग वही है जो 2 दिन बाद MS धोनी के साथ सेल्फी लेके फोटो फेसबुक पे डाल देंगे और वहां लिख देंगे सेल्फी विद MS धोनी, नो कैप्शन रिक्वायर्ड बिचेस. फिर ये लोग जुर्रत भी करते हैं कि बोलने की कि चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि व्हाट इज बेटर, क्रिकेट या फुटबॉल. इनकी बातें सुनने के बाद ना परेश रावल सर की याद आ जाती है कि इन लोगों का IQ इज लोअर देन रूम टेम्परेचर. इनके साथ आर्ग्यू मत करो, हारोगे हारोगे, बुरी तरह से हारोगे, लॉजिक तो जाएगा 6. That's all for today. Thank you for watching this video, guys. Press the like button if you enjoyed it and subscribe to my channel for more videos.